चलेगा? अच्छा, ऐसा क्यों? ऊपर देख करके, ऊपर देख के, ऊपर क्या? तो नहीं भरता है, 5 किलो अनाज में तो एक टाइम का पेट भरेगा, उसके बाद तो महीना में 5 किलो देता है। उसको देख के वोट नहीं दे रहा है, ऊपर देख के वोट दे रहा है। किसका इधर हवा चल रहा है अभी? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। इस वक्त हम पूर्णिया के हरदा में है और ये है मछली पट्टी, और बहुत सारे लोग हैं मछली बेच रहे हैं और मछली खरीद भी रहे हैं। और अभी नवरात्र का समय है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मछली नहीं भी खरीद रहे हैं। लेकिन हम एक मुद्दा लेकर आए हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव सर पे है और लोग क्या सोचते हैं, पूर्णिया से किनका पलड़ा भारी है, किनकी तरफ ज्यादा हवा चल रही है। तो चलिए बातें करते हैं सीधे जनता से और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार महलदार। मुन्ना कुमार महलदार। महलदार, ये बताइए किसका इधर हवा चल रहा है अभी? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा, हाँ। ऐसा क्यों? अच्छा नेता है, अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है, हाँ। अच्छा ये बताइए, संतोष कुशवाहा जी तो 10 साल से है, 10 साल से अपना करनी में है, काम पे ने है, हाँ। अच्छा काम किए हैं तब? अरे क्या सब विकास किए? रोड बनाए हैं, घर घर बिजली पहुंचाया है। अच्छा अच्छा ये बताइए, कभी भी कोई दिक्कत होता है गांव वगैरह में तो क्या वो घूमने आते हैं? घूमने बहुत कम आते हैं, हाँ, यही एक खराबी है उसमें। अच्छा, कभी कोई मुसीबत हुआ तो? मुसीबत में आता है, आता है। हाँ, शादी ब्याह में इन्वाइट करता है, आता है। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं, उसको देख के वोट नहीं दे रहा है, ऊपर अच्छा। देख के वोट दे रहा है। अच्छा, सब तो कह रहे हैं कि अभी पप्पू यादव का हवा ज्यादा चल रहा है। नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कैलाश कुमार मलदार। किसकी तरफ वोट जाएगा? वही संतोष कुमार की तरफ। अच्छा, जातिवाद पे तो नहीं चल रहा है? नहीं, जातिवाद पे नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग जो भी है, मतलब बीजेपी का टिकट मिला है उसको, इसलिए सब ऊपर देख के उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को क्यों चाहते हैं आप लोग? बीजेपी को चाहते हैं इसलिए मोदी जी है, जो भी विकास करता है, सब चीज अच्छा करता है। अच्छा, और कभी भी कुछ अच्छा होता है तो, जैसे रोड बनाया, नल जल योजना दिया, घर घर बिजली पहुंचाया। अच्छा, सब चीज का विकास किया, इसलिए उसी को चाहते हैं बीजेपी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को या मोदी जी को? मोदी जी को। मोदी जी को जी। अच्छा, मोदी जी ही सबसे अच्छी है। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी को नहीं, क्यों? क्या दिक्कत है? नहीं, गांधी, राहुल गांधी जो है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है कोई, लेकिन फिर भी नहीं चाहता, मोदी जी जो काम कर रहे हैं सब उसी के प्रभाव से खुश है अभी, इसलिए मोदी को ही सपोर्ट करना है। मोदी को ही सपोर्ट करना है, जब तक रहे वो मोदी जी को सपोर्ट करें। और मोदी जी छोड़ देगा इलेक्शन तब ये कुनो नहीं, चाहे कुछ हो जाए, खाना मिले ना मिले, लेकिन मोदी जी को देना। हाँ, अभी तो मोदी जी को देना। अच्छा, 5 kg अनाज मिलता है, उसे पेट भर जाता है? देखिए, पेट तो नहीं भरता है, 5 किलो अनाज में तो एक टाइम का पेट भरेगा, उसके बाद तो महीना में 5 किलो देता है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जो भी करता है, अच्छे बुरे तो बहुत अच्छा ही काम करता है, कोई कुछ हुआ उन्हीं को जिताना है। नहीं कुछ। क्या नाम हुआ भैया आपका? बोलिए बोलिए, कुछ किसको वोट कर रहे हैं? यादव जी को, कुशवाहा जी को? किसको? कुशवाहा जी को। कुशवाहा जी को, आप भी कुशवाहा जी को? आप किसको चाहते हैं? उसी को। उसी को, ऐसा क्यों? सब कोई कुशवाहा जी को ही क्यों? काम करता है, देखता लो सबको। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि कुशवाहा जी घूमने नहीं आते हैं, इसलिए कुशवाहा जी को नहीं देंगे। ना आता है घूमने, लिए कल भी आया था। अच्छा, बात विचार कर को गया। अच्छा, जातिवाद के लिए तो वोट नहीं दे रहे हैं ना? ना, जात तो सब देता है, हिंदू मुस्लिम सब देता है, जात पर कौन चलता है? अच्छा, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हम यादव जी। किसको? यादव जी को। ना, नहीं, कभी घूमने के लिए नहीं करता है, कभी घूमने के लिए नहीं आता, कभी नहीं आता। अभी तो उसी का प्रचार चल रहा था, दो चलने दीजिए। अच्छा, अभी अभी कुशवाहा जी का प्रचार चल रहा है? हाँ। अच्छा, कभी घूमने नहीं आते आपके गाँव? आते हैं कि नहीं आते? आता है कि आते हैं। हाँ। अच्छा, तो बाकी दोस्तों देख सकते हो कि अभी हम हरदा के मछली पट्टी में है और मछली वालों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पूर्णिया का लोकसभा चुनाव चल रहा है ना, इसमें 3 कैंडिडेट जो है धांसू कैंडिडेट है, एक तो पप्पू यादव जी है, उसके बाद दूसरा संतोष कुशवाहा जी और तीसरा बीमा भारती, और अभी इन तीनों में टक्कर चल रहा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम सिर्फ अभी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और कुशवाहा जी को ही सपोर्ट करेंगे, और हमें कुछ भी हो जाए हमको मोदी ही चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा?
अभी नहीं बोल नहीं बोलेंगे, तबियत खराब है। अच्छा तबियत खराब है, चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हो भैया? उमेश मालदार। अच्छा ये बताइए पूर्णिया लोकसभा में अभी किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो अभी भारी तक कुछ वह चलेगा, कुछ वह जी का चलेगा। अच्छा ऐसा क्यों? ऊपर देख करके, ऊपर देख के, ऊपर क्या मोदी को लेकर के? अच्छा मोदी को लेकर के, मतलब मोदी है तो कुशवाहा है? हाँ, अगर मोदी नहीं रहते तो कुशवाहा चले जाता। अच्छा चले जाता। अच्छा बीजेपी को ही सपोर्ट करना है? हाँ। अच्छा अच्छा ये बताइए मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, गांधी जी को नहीं? नहीं। अच्छा क्यों ऐसा? उसका राज में तो देखते थे कि कभी एक बीघा पर जगह छीन छोर हरदम होते रहता था। हाँ। हाँ? हाँ। अभी तो जहाँ मनता लोग सुन सपोर्ट में घर द्वार उठा रहता है। अभी सुन सपोर्ट नहीं होता? अभी नहीं हो रहा है। अच्छा चोरी छिनारा नहीं हो रहा है? अच्छा ये सब चीज बंद है। रोजगार जो नहीं मिल रहा है? रोजगार जो जिस जो है था ये ना पुलवामा हमला जो हो रहा है। हाँ तो उसमें क्या गांधी जी थी, राहुल गांधी को रोजगार भी खुलकर मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। कौन कौन को कौन मिल रहा था? अच्छा ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि 5 kg अनाज मिल रहा है इसलिए सपोर्ट? 5 kg तो सपोर्ट का मतलब नहीं ना, 5 kg तो आदमी से थोड़े पेट भरता है। अच्छा और क्या किए? और क्या कहेंगे? और मोदी जी क्या किए हैं? और क्या किया? पानी दिया है, गैस दिया है। अच्छा गैस महंगा नहीं है? महंगा तो है। महंगा है? हाँ। पहले तो 300 रुपए का गैस आता था, अभी 900 रुपया हो गया है। इससे चुनाव के पहले 1100 रुपए था। हाँ। जैसे चुनाव आया मोदी जी घटा दिए, 900 कर दिए। फिर चुनाव खत्म होगा फिर बढ़ा देंगे। वो तो होता रहेगा। महंगा नहीं बढ़ा है मोदी जी के राज में? बढ़ा है, बढ़ा है ना। फिर भी मोदी जी को देंगे तो राहुल गांधी सस्ता कर देगा जी। अच्छा अभी जो महंगा चल रहा है, नया नेता है तो सस्ता कर दे? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा? कभी नहीं होगा। पक्का है क्या? हाँ अभी वही तो सस्ता कर देगा, 1,00,000 किलो चावल तो फिर करेगा राहुल गांधी। अच्छा कैसे जानते कि गारंटी लेगा? उसी को वोट देंगे। गारंटी तो सब लेता है, मोदी जी कहते हैं हम करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, लेकिन मोदी जी के राज में तो बहुत सारा महंगाई बढ़ गया। दोबारा गांधी जी राहुल गांधी सस्ता करेगा, कहीं आ जाए तो कर देंगे तब। हाँ अगर एक बार मौका दीजिएगा तभी ना। आप देखिए मौका मिलेगा तो होगा। अच्छा पूर्णिया जीत जाएगा राहुल गांधी? अच्छा अरे पूर्णिया को पहले जीतेगा तभी ना आएगा। पूर्णिया जीत करेगा तब ये बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ। खाली पूर्णिया से बनेगा। अच्छा जो भी हो जाए मोदी जी को सपोर्ट करना है। हाँ बाकी अभी हम हड्डा में थे और चुनाव प्रचार अभी जोरों शोरों से चल रहा है और लोगों का क्या ख्याल है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आपने सुन लिया और आपकी क्या राय है पूर्णिया लोकसभा के बारे में? आप किसको वोट कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।